हेलो फ्रेंड्स, हमने पहली वीडियो में हॉर्स पावर के बारे में पढ़ा था। अब हमारा सेकंड टॉपिक है सेम यूनिट का एनपीएसएच। एनपीएसएच इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए से ध्यान से देखिएगा कि ये होता क्या है। एनपीएसएच इज द मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर दैट हैज बी मेंटेन इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप टू ओवरकम द प्रॉब्लम लाइक प्राइमिंग एंड कैविटेशन। मतलब वो मिनिमम प्रेशर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम यूज करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं कैविटेशन और प्राइमिंग की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। तो कैविटेशन क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए पहले तो, कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं। कैविटेशन में क्या होता है कि जो सक्शन प्रेशर होता है हमारा, वेपर प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिससे जो लिक्विड होता है उसका थोड़ा पार्ट पंप के इनसाइड इंटर कर जाता है, जिससे कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है और जो पंप की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और इससे इरोजन की भी प्रॉब्लम होती है। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हम कैविटेशन को दूर करने के लिए जो इनलेट प्रेशर होता है पंप का, उसे वेपर प्रेशर को ज़्यादा रखते हैं, जिसे हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहते हैं। या दूसरे वर्डों में कह लें कि कैविटेशन को दूर करने के लिए सक्शन पॉइंट पर जो पंप का प्रेशर होता है वो जो फिक्स वैल्यू होती है उससे लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा किया जाता है, जिसे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहते हैं। ठीक है। और कभी भी अगर हम किसी पंप का स्टेबलाइज करते हैं तो वहां पे हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो लिक्विड का प्रेशर पंप है उसका लेवल हमेशा जो सक्शन लाइन में वेलोसिटी है और फ्रिक्शन हेड है, वेलोसिटी फ्रिक्शन हेड, इन्हें ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है या एनपीएसएच होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 to 3 meters सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। अगर हमारे पास बड़े इंपेलर्स के पंप हैं या इनकी स्पीड ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है या डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा है, तो उनके लिए हम एनपीएसएच की वैल्यू 15 meters तक ले सकते हैं। ठीक है। एनपीएसएच को शो कैसे करते हैं, उसके लिए एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम होता है कि हमारा यहाँ पे लिक्विड लेवल है, तो पंप हमेशा हम थोड़ा सा ऊंचाई पे लगाते हैं कुछ इस तरह से कि हमारा जो पंप का प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से ज्यादा रह सके। पंप हो जाएगा बड़े हाइट एंड दिस हाइट इज ZB। ठीक है। तो एनपीएसएच को हम, अगर जो हमारा पंप है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर है, तो एनपीएसएच को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एनपीएसएच इज इक्वल पीए डैश अपॉन रोजी माइनस पीवी अपॉन रोजी माइनस एचएफएस अपॉन जी माइनस का जेड ए। ये जो होता है ये हमारा अवेलेबल एनपीएसएच भी बोला जाता है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमारा पंप लिक्विड सरफेस के ऊपर होगा। अगर हमारा पंप जो है वो लिक्विड सरफेस के नीचे होता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तब फॉर्मूला होगा हमारा रो पी ए डैश अपॉन रो जी, इधर से चेंज हो जाएगा रो जी प्लस जेड वन माइनस एच एफ एस अपॉन जी माइनस पी वी अपॉन रो जी। ये जो होता है इसे हम रिक्वायर्ड एन पी एस एच भी कहते हैं।
पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, अगर पंप हमारा लिक्विड लेवल के ऊपर होगा तो अवेलेबल NPSH, पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर पंप हमारा लिक्विड लेवल या लिक्विड सरफेस के नीचे है तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे हम रिक्वायर्ड NPSH बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो PA होगा वो वेपर प्रेशर या एब्सोल्यूट PA जो होगा वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, PV हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, HFS फ्रिक्शन लॉस या एनर्जी लॉस, PA डैश इज एब्सोल्यूट प्रेशर, PV हो जाएगा वेपर प्रेशर HFS is a fraction loss या energy or